शहर को एक ऐसे आदमी की सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ से वो लोगों का दर्द महसूस करके काम काज कर सके। हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म भी देंगे और उनसे काम भी लेंगे। वो काम करने के लिए मैं उनके साथ गठबंधन में काम किया हूँ। उनके अंदर जो जज्बा है वो मैं देखा है। वो इलेक्शन लीडर का, इलेक्शन लड़ने का हो या लोगों के काम काज करने का हो, ऐसे लोगों का पार्टी में हम इस्तकबाल करते हैं। दूसरा, समाजवादी लीडर अखिलेश यादव साहब मालेगांव शहर अपने 8-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ 9 अगस्त को आने वाले हैं। 9 अगस्त जो है वो क्रांति दिन के नाम से जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट की तहरीक 9 अगस्त को इस मुल्क में चली थी और उस दिन को ही अखिलेश यादव साहब ने मालेगांव आने का दिन रखा। हम मालेगांव शहरियान की तरफ से एक बड़ा जलसा लेकर उनका इस्तकबाल करेंगे और कहीं ना कहीं उनके आने के बाद सिर्फ इस शहर की नहीं महाराष्ट्र की सियासत में भी तब्दीली आएंगी, ऐसा हम मानते हैं। तो इकरा हसन, अवधेश पासी जो अयोध्या से चुन के आए, अफजाल अंसारी और दूसरे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले हैं, उन्होंने कल ही लखनऊ से महाराष्ट्र के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया है। आने वाला असेंबली इलेक्शन पूरी ताकत से महाराष्ट्र में लड़ने वाले हैं। कल अबू आसिम आज़मी साहब उनसे मिले, उन्होंने मेरी भी बात कराई उनसे। उन्होंने कहा कि तुम तुम्हारी तैयारी करो, मैं मालेगांव शहर आ रहा हूँ और 8-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर आ रहा हूँ। तो एक बड़ा इस्तकबालिया प्रोग्राम होना चाहिए, तो शहर भी इसके लिए तैयार है, पार्टी भी इसके लिए तैयार है। और मैं आज हमारी पार्टी में जो नए लोग आए हैं उनका वेलकम करता हूँ और उनका पार्टी में स्वागत करता हूँ। अच्छा,